सूक्ष्म कर देते हैं। जब समाधि की स्थितियां आती है, जब हम लोग ऊपर की उड़ना आरंभ करते हैं, जब इसकी अनुभूतियां फिर धीरे धीरे हमारे अंदर अवतरित होने लगती है। फील करना है बस, टेस्ट को अपने अंदर स्वतः उत्पन्न करना है। अगर तनाव भी है तो सकारात्मक तनाव जो जीवन शक्ति का संचार करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जगाएगा। जागना है, सुबह जागने में भी डर लगता है ना कि क्यों उठ रहे हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं 5 मिनट। ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ ही सबके साथ होता है। सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य और प्रमाद। जिसने आलस्य को त्याग दिया वो जिंदगी में जीत गया, जो सोवत है सो खोवत है। वही स्थिति हम लोगों की भी है, सभी लोग सोए हैं अभी भी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो कम से कम 50% लोग तो अभी सोए होंगे, पता नहीं क्यों सोते हैं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जागना जरूरी है हमें जिंदगी में। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा थकोगे, नॉर्मल हाथ क्रिक कर दे रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप किया था। ठीक है, थकना नहीं है लेकिन कहने का अर्थ है, चलिए आप लोग मेरे से ज़्यादा युवा हो, तो 40 साल के हो गया हो मैं तो, सर लोग तो मेरे को लगा काफ़ी बड़े होंगे, सीनियर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप लोग युवा हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ताकत बना लो। लाइफ में इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता। मैंने कहा नहीं, विचार ही हमें हर परिवेश में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे माहौल में आप जाएंगे, टीचिंग जॉब में जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, तो वैसे, क्योंकि परमात्मा ने हमें निरंतरता दी है, बाल स्वरूप हमें जीने का अवसर बार बार दिया है, जो हम बात करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं, दो तीन स्टेप अब बाद में कहीं भविष्य में करेंगे। चलिए एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अब इस अवस्था में आपको स्पाइन को सीधा करने की सबसे बड़ी अवस्था यही है। अगर आप इसमें हाथ नहीं थकते, अगर आप काफी देर तक भी कर सकते तो एक ही अवस्था को, लेकिन करना आप एक ही चीज को करना है, लेकिन तन्मयता के साथ करना। ठीक है, चलिए स्पाइन को सीधा कर लें, स्वतः ही सीधी हो जाएगी। दोनों हाथों कान से टच कर लें, बैठी हुई अवस्था में पर्वत आसन की मुद्रा है, लेकिन सेम आप भस्त्रिका प्राणायाम ही कर लें। लास्ट है इसके, मुस्कुरा लें, थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा कष्ट उठा लें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। काफी डीप ब्रीथ है, लंबी सांस ले लो, मुस्कुराएं बिल्कुल, जितना लंबा गहरा सांस आप ले सकते हैं लें, जितना डीप आप ले सकते हैं। नेक को ऊपर की ओर कर लें हल्का सा, एक क्रिया थायराइड के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे ओम को मेडिटेट करेंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस ये ऊपर की ओर नेक करना है, डीप ब्रीथ भरना है, फिर हल्के हल्के मसाज देनी है थायराइड और पैरस। ठीक है, लंबा सांस लेंगे, फिर डीप ब्रीथ लगातार करते रहे,
बिल्कुल शांत हो जाए, दोनों दिल को रब करें, हल्का सा नेक को मसाज करें। अब क्या कर रहे हैं, सुन लें अगली जो स्थिति है, थोड़ी सांस को डीप ब्रीथ कर लें थोड़ा सा। अब क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सांसों में प्रणव अक्षर ओम कर रहे हैं, और पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र में रहेगा बिल्कुल, और